इधर पूरा मस्त एकदम हरियाली लोकेशन है जैसा कि देख। फाइनली हम लोग का कार खेत से निकल गया जहाँ पे फंसा था ये। हाँ ये अब हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी हम लोग का धीरे धीरे चल रहा है जहाँ पे हम लोग को जाना है घूमने के लिए। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे का व्यू है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच करके आप लोगों को गाड़ी का जो रिव्यू है, जो व्यू है, वो आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम लोग निकल चुके हैं। सो फाइनली अभी हम लोग एक जगह स्टॉपिज किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग रुके थोड़ा सा, और इधर का आप व्यू देख सकते हैं काफ़ी ही अच्छा है। और चलिए फिर इसे अभी हम लोग थोड़ा देर में आप लोगों को हम गाड़ी का रिव्यू दिखाने वाले हैं और क्या क्या इसमें मॉडिफाई किया गया वो आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे जब तक आप लोग, और फिर इसी तरीके का अभी और भी कुछ नया नया जगह और एडवेंचर हम लोग करने वाले हैं आज यहाँ, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखने को मिल चुका होगा। तो हैव अ लुक। ओए होए होए यार, सो यही है अपना सर्वोलोड का माफिया दिखने वाला स्पूटी लुक में कार। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये कार, और इसमें आप देखने को देख रहे होंगे जैसा कि स्टिकरिंग किया है वो भी मतलब पता ही नहीं चल रहा, साइड साइड में बैंडेज की तरह। और फिर ये सामने का आप बोनट देखिए, ये भी बैटमैन का लुक में दिख रहा है, और ये सर्वोलेट का लोगो है जैसे कि आप देख रहे हैं। और कुछ इस तरीका से मतलब नीचे में भी इसका दिया हुआ है, मतलब गाड़ी उड़ी से सटने से ये भी काफ़ी मतलब हैवी लुक लग रहा है। और ये साइड से कुछ इस तरीका का रिव्यू आप देख सकते देखने को मिल रहा, ये बैंडेज की तरह पट्टी दो लगी हुई है। और सीन भी बैकग्राउंड का काफ़ी अच्छा एकदम लग रहा है यार, ऐसे में खड़ा है गाड़ी तो और अच्छा लग रहा है लुक मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से। तो ये कार है, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं वहाँ जा करके। फिर जैसा कि ये भी पीछे का आप देख सकते हैं, ये सब लुक और गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी बनाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये डिज़ाइन जो किया हुआ है ये सामने से अगर आप देखते तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता आप लोगों को देखने में। तो गैस चलिए फिर कुछ ये दोस्त लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो चलो फिर यार आगे जा करके देखते आगे का क्या सीन है। तो वीडियो में बने रहे, हैव अ लुक। सो यहाँ पर ही अभी फाइनली हम लोग का कार निकल गया, फंस चुका था। और इधर आप देख सकते पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसा कि इधर का भी व्यू काफ़ी अच्छा एकदम सीन है, पूरा एक घाटी की तरह यहाँ पर बना हुआ है रोड। तो चलिए आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग का मुश्किल से मेहनत से गाड़ी निकल चुका है दोस्त यहाँ पे, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी कम रहता है इस गाड़ी में, फंस चुका था इसलिए गाड़ी। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर धीरे धीरे, जैसा कि अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गेतलसूद डैम, जैसा कि अभी आप इधर देख रहे हैं इधर पूरी तरीके से खेती और हरियाली है। और इसका दूसरा तरफ आप जैसा कि देख सकते हैं इधर डैम है, पानी ही पानी है पूरी तरीक़े से। और ये दानिश भाई इशारा कर रहा है, ये दानिश भाई है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मौसम भी मस्त है, पूरा एकदम सुहाना मौसम है, बारिश करने वाला है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए दोस्त गेतलसूद डैम। मेरे पीछे आप जो देख रहे इधर पूरा खेत है, और मतलब पूरा नीचे पहाड़ी क्षेत्र आप जैसा देख सकते हैं, देखिए पूरा शांत माहौल है। दूसरा तरफ अगर आप लोगों को दिखाते हैं तो जैसा पूरा दूसरा तरफ, तो यार मतलब झारखंड में हमें तो हम मतलब रांची क्षेत्र में इतना बड़ा डैम पहली बार देख रहे हैं, कहीं कि पहले कभी आए नहीं थे गेतलसूद डैम या जो भी बोले। देखिए ये पूरा उस तरफ तो जहाँ तक आप लोग का नज़र जाएगा पानी ही पानी है, उधर जितना दूर तक आप लोग का नज़र जाएगा उधर पूरा तरीका से पानी ही पानी है। ये हम लोग का ग्रुप है, इधर अपना राजू भाई है, चलो पूछते हैं। क्या लग रहा राजू भाई? बहुत अच्छा, पूरा मौसम मज़ा लग रहा है, मौसम जो है ना बहुत ठंडी ठंडी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें, पूरा मज़ा आ रहा। चलो इसी तरह दानिश भाई कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा मज़ा लग रहा है इधर? एक्सपीरियंस तो भाई हमको कहीं घूमने का ही नहीं है। इधर का जो व्यू है ना पूरा एकदम हरियाली हरियाली है,
ये मेरा बचपन का दोस्त है शेरू, कैसा लग रहा मेरा भाई? बहुत अच्छा है गेतलसूद डैम, बहुत अच्छा है, यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए और मौसम भी यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छा है। इधर पूरा चट्टान है पानी का एक छोर उस तरफ, और इधर आप देख सकते हैं मछली उछली मार रहा है लड़का लोग बैठ करके। अब हम लोग यहाँ से नीचे उतरने का सोच रहे हैं तो दानिश भाई बोल रहा है कि यहाँ से स्लिप करके उतरना है। बचपन याद करो तो चलो दानिश भाई पीछे रहा देखते हैं। नहीं मेरा से नहीं होगा जी, नीचे उधर से। तो चलो तब उतरते हैं सीढ़ी से भाई, हमारा से तो उसमें नहीं होगा। हम इधर पूरा मतलब पत्थर उत्थर रखा हुआ है, पहाड़ वहाड़ उधर एक तो उस तरफ भी एक पुल है देख रहे हैं आप, जैसा कि ये छोर है पानी के इस तरफ का मतलब। अच्छा दानिश भाई चिल्ला रहा तो ये शर्मत को देखिए पिछल रहा है कहीं इसका जींस नहीं फट जाए, जो जूता का बल में ही स्लिप हो रहा। नीचे उतरने में भी टेंशन लग रहा है भाई, चलो तब नीचे उतरते फिर। जरा सा पैर कंट्रोल नहीं किया अपने आप को तो फिर भाई एकदम नीचे। अभी हम लोग उधर नीचे तरफ उतरने वाले हैं, इधर देख रहे बच्चा मछली पकड़ रहा है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई लोग यहाँ पे, एकदम मौसम भी बना हुआ है, बारिश होगा। राजू भाई गर्मी से परेशान होकर लगता है इधर साइड में बैठ गया है, जैसा कि देख सकते हैं राजू भाई को एकदम ठंडा ठंडा छांव में बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। एक अंकल है जो खेती उती कर रहे हैं। देख सकते कितना ऊंचा से हम लोग मतलब नीचे उतरे हैं, उधर पूरा रोड है और ये बांध लोक अनलॉकिंग का जो पानी का सिस्टम रहता है यहीं से चलता है, ये खुलने से पहले सायरन उरन भी देता ही होगा। उधर से हम लोग आए, आगे जा रहे हैं अभी। इस भाई पूरा नीचे उतर गया है, तो भाई लोग यहाँ तोड़ के का खा रहा है तुम लोग? ये वाला चीज को शायद चीकू नहीं, चीकू की का बोलते हैं, केंदा खा रहा है यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ करके। यहाँ पर ही मौसम काफी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, तो मूड एकदम फ्रेश लग रहा है। अरे नहीं खाते, देख सकते इधर का व्यू। इधर भाई लोग चढ़ने का तैयारी कर रहा है। बचपन में कभी चढ़ा था रे भाई पेड़? मोटर गिरे ने अरे रे बहुत पेड़ में चढ़ लगे रे। ओ चढ़ गया जा दानिश भाई, जा मेरा विशेष साथ है, जा बड़ी मजबूत रहते हैं। देखिएगा लाइन उनका तार भी है, वो जो तार गया हुआ है इतना बोलता है ना। वाह बहुत ही स्वादिष्ट, और क्या बोलते उसको हम लोग का केन फल जो है ना बहुत नामी है, बहुत ही मजा आ रहा। अब हम लोग का चलने में हालत खराब होगा, चढ़ने में उतना ऊपर चढ़ना है, एकदम उधर से चढ़ते हुए आए हैं और दोस्त लोग चढ़ रहा है। सबसे पहले भी हम लोग अब इधर से सीढ़ी से, और ये आखिरी सीढ़ी एकदम पेड़ दिख रहा ना उससे नीचे गए थे हम लोग, वो पेड़ से नीचे फाइनली चढ़ने में यार हालत ख़राब हो गया। दो दोस्त लोग अभी भी नीचे, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग को हम गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। सो फाइनली
अब आप लोग देख सकते हैं ये, और ये क्या है, घूमते रहता है क्या? हाँ, घूमने लगा ये। ये लाल कलर और सीट में जो खोली है देख सकते हैं, ये अंदर का इंटीरियर है गाड़ी का। भाई ये को चीज़ हम कोई गाड़ी में एंटीक लगाई है, जो गियर वाला देख रहे हो ना, हैंडल जो देख रहे हैं, ये सबसे एंटीक लग रहा है, देख सकते हैं। और यो स्टेयरिंग हो गया, ये सेरबुलेट का लोगो। तो मतलब भाई ने अच्छा खासा खर्चा किया है और गाड़ी को लुक बनाया है। चलते हैं तो बाहर निकलते हैं। अरे यार, और दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जहाज वाला इंडिगो फ्लाइट का घर है। जैसा कि अभी हम लोग डैम का इधर दूसरा छोर आए आ गए हैं। इधर देख रहे कितना अच्छा हरियाली है, गाय सब अपना घास खा रहा है, पूरा इधर हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ देख रहे एकदम सामने में, देखिए कितना मस्त मौसम लग रहा है यार। छोटा में या स्टोर सब में देखते होंगे शंख रहता है, जो बोलते हैं डैम उम का किनारे मिलता है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे यही रहता है, देख रहे ना, ये सब पूरा यहाँ पे फेंका हुआ, मतलब बहा हुआ है डैम के किनारे। यहाँ पे जाली है मछली उछली पकड़ने के लिए, मच्छरदानी पूरा इधर, मतलब मिट्टी नरम है, चल रहे तो पैर घुसने जैसा हो जा रहा है, क्योंकि एकदम ही किनारे है डैम का, तो बरसात उरसात में हमको लगता है इधर पूरा पानी भर जाता होगा। पूरा एकदम मस्त लोकेशन लग रहा है यार, वीडियो वीडियो फ़ोटो शूट करने के लिए। यहाँ पे एक भैया है बोट उठ के साथ अपना, शायद मछली उछली पकड़ रहे हैं कि क्या, नहा रहे थे। चलिए देखते हैं पास जा करके, लोकल नाव बोलते हैं, पहुँचने के लिए इसी में बैठ करके भैया मछली पकड़ते हैं। पकड़े है कि क्या? नहीं, सुबह में निकलते हैं मछली। यहाँ कितना बड़ा बड़ा भैया मछली? तो बहुत बड़ा बड़ा है। कितना केजी तक का आप लोग का देखा हुआ है? मतलब 70 केजी तक निकलाया था मछली। 70 केजी तक? वही रेहू कतला सब? नहीं, वो सिल्वर कार। सिल्वर कार इधर मत दिखाना ना भैया, जैसा कि मतलब इधर 1 क्विंटल तक का भी, मतलब इस डैम में मछली है, जैसा कि भैया रोज मारते हैं मछली ये बताए, ये खुद मतलब 70-75 केजी तक का ये देखे थे। हर डैम में मतलब ये घर आ रही ड्राम दे करके छेका हुआ रहता है जो, उसका मतलब ग्राम उराम समिति वाला लोग का अंडर में रहता है ना, ये वाला मछली पालन किया जाता है उसमें। तो मतलब जब शादी ब्याह में रहता है तब वहाँ से ही करता है शादी ब्याह, रुक्का डैम तक जाके मिलता है। बहुत लंबा चौड़ा डैम है, अभी बरसात में तो हम लोग का बस्ती चढ़ जाता है पानी, मतलब बरसात में पानी इधर पूरा चढ़ जाता होगा आगे तक ना। भैया जैसे बता रहे आप, दूर तरफ उधर बस्ती जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब बारिश अभी बरसात का दिन में पूरा आगे तक वहाँ पे चल जाएगा पानी, मतलब ये डैम का पानी धीरे धीरे वो पूरा उधर चला जाएगा। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, देख सकते हैं पब्लिक लोग का रिएक्शन, जहाँ से गाड़ी पार हो रहा था तो एक बार लोग सब देख रहे, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे इधर बच्ची लोग नाच रही थी, काफ़ी मज़ा उन लोग भी मिला वो लोग को, इधर से भी भाई लोग सब देख रहे कार को ही। तो गाइस हम लोग अभी महेशपुर से होते हुए लौट रहे हैं, यह आपका टाटी सिल्वे मतलब क्या बोलते हैं बाजार लगता है वो है, जैसा कि देख रहे। फाइनली दोस्त अब हम लोग जा रहे घर, बहुत देर घूम लिए यार, यहाँ पे रुके थे रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता उस्ता खाए। यो से दानिश भाई, अब हम लोग क्लोज करते वीडियो को, अपना दोस्त का चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर लेकर के आते कुछ नया कॉन्टेंट लेकर के आते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।